आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस जो कि इस बार अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसी को लेकर आज पूरे देश में काफी हर्षोल्लास के साथ ये गर्व का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं छपरा में रिबेल किड्स केयर में भी मना अमृत महोत्सव। बता दें कि सदर प्रखंड के डोरीगंज स्थित एक अत्याधुनिक विवाह भवन वृंदावन में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। वहीं रिबेल किड्स के छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों पर करारा प्रहार किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य और इंग्लिश स्पीकिंग के माध्यम से भाषण भी दिया और दहेज प्रथा को लेकर इन बच्चों के द्वारा एक छोटा सा नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी मैसेज खुलकर सामने आया। वहीं आयोजन में शहर के कई शिक्षाविद भी मौजूद थे, जिसमें रिबेल के डायरेक्टर विकी आनंद और शिक्षक मनोज संकल्प, रिबेल डोरीगंज के डायरेक्टर श्वेतांक राय, पप्पू लॉयन एस जेड रिजवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव है, 75वें स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर रिबेल किड्स केयर के बच्चे ने जो प्रतिभा और यहाँ परफॉर्मेंस किया है अपने आप में सराहनीय है। एक मजे खिलाड़ी की तरह एक के कैरेक्टर में लग रहा था, एक के बॉलीवुड इस टाइप के कैरेक्टर का रोल अदा कर रहे थे, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। निश्चित तौर से ग्रामीण क्षेत्र में प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम था और मुझे लगता है कि एक तरह से मील के पत्थर ये कार्यक्रम साबित होने जा रहे हैं। और जिस तरह से बच्चों ने आत्मविश्वास से भरा हुआ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, आप कह सकते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे तरह से छोटे छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस जो इंग्लिश स्पीकिंग था स्पीच दे रहे थे, बच्चे के स्पीच दे रहे थे या नृत्य कर रहे थे, हमें लगता है मजे हुए कलाकार की तरह या मजे हुए वक्ता की तरह ये बोल रहे हैं। निश्चित तौर से ये लोग सराहनीय काम कर ही रहे हैं। निश्चित तौर से जो इसके इनके शिक्षक है या विद्यालय के प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग ही सैल्यूट के पात्र हैं। तो मेरी सलासी निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।